घोसी उपचुनाव में वोटिंग से पहले अखिलेश यादव का चुनाव आयोग से बड़ी अपील। बीजेपी समेत सरकारी तंत्र पर लगाए गंभीर आरोप, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे चुनाव का शोर थम चुका है। आज 5 सितंबर को घोसी की जनता मताधिकार का प्रयोग करेगी। वोटिंग से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। सपा की तरफ से चुनावी मैदान में सुधाकर सिंह हैं। घोसी उपचुनाव में अखिलेश यादव के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सैफई परिवार के साथ अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार किया था। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि घोसी उपचुनाव में सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्ट पर लिखा है कि सपा के खिलाफ बीजेपी का प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र भी मैदान में है, इसलिए निर्वाचन आयोग से अपील की जाती है कि कृपया मामले को देखें। चुनाव आयोग कृपया देखे कि घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में सपा के विरुद्ध बीजेपी का प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र भी मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने सपा के बागी दारा सिंह चौहान पर भरोसा जताया है। दारा सिंह चौहान के समर्थन में दिग्गजों ने रोड शो किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले एनडीए घटक दलों के नेताओं ने भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस का समर्थन सपा उम्मीदवार को है, बसपा के मैदान में नहीं उतरने की वजह से मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में है। दोनों दलों के लिए घोसी उपचुनाव का नतीजा लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। आम तौर पर उपचुनाव को गंभीरता से नहीं लेने वाले अखिलेश यादव भी सपा प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव से पहले शिवपाल यादव भी सत्ता पक्ष पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने आईजी रंज से मुलाकात कर थानेदार और सीओ पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया था। सपा नेता ने निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी मतदान कराने की मांग की थी।